हेलो टीम दिस इज़ पूजा पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट टू तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए आते हैं टॉपिक पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कम्प्राइजेज ऑफ ये बना किस चीज़ का होता है पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना है और पढ़ना है सबसे पहले अ पेयर ऑफ़ किडनी अ पेयर ऑफ यूरेटर किडनी ये रहे यूरेटर्स मीन्स जो दोनों ट्यूब्स बाहर आ रही हैं किडनी से निकलते हुए उनके बारे में ये है यूरिनरी ब्लैडर उसके बाद ये है यूरेथ्रा जो है आउटलेट ठीक है अब इससे कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं जानना जरूरी है जो कि रीनल आर्टरी है ये रीनल मीन है ओके अब ये इस इंटरनल मसल्स और एक्सटर्नल मसल्स की बात जो की है वो कहाँ है जब हम यूरेथ्रा का डायग्राम बनाते हैं जो आउटलेट है जो, जो मिक्स्यूरेशन में हेल्प करता है तो ये है देखिए जब यूरिन पास आउट होती है तो इंटरनल स्पिंगटर मसल्स और एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंगटर मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जिसकी वजह से जो है यूरिन पास आउट होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ पे यूरेथ्रा में होता है ठीक है तो इनके बारे में हमने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी हमने पढ़ लिया चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया है मैंने इसमें जो कि पूछा गया था और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर पाई थी तो मैं इसको अब इंक्लूड करती हूँ जैसे कि टैटपोल और फ्रॉग जब फ्रॉग का जो टैटपोल है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो एमोनोटेलिक है यूरियोटेलिक है इट एक्सक्रीट्स एमोनिया और इट एक्सक्रीट्स यूरिया टैटपोल इज एमोनोटेलिक वेयर एज एडल्ट फ्रॉग इज यूरियोटेलिक वन मोर क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म जो है एमोनोटेलिक एज वेल well एज यूरियोटेलिक एनिमल बोथ इट बिहेवस एज बोथ काइंड ऑफ एनिमल वाई वेनएवर देर इज़ लेस वाटर अवेलेबलिटी जब भी वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो तो वो यूरिया टेलिक बिहेव करता है वेनएवर एडिकुएट वाटर अवेलेबिलिटी हो तो वो एमोनोटेलिक बिहेव करता है ओके okay? तो ये क्वेश्चन है और इसको याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले किडनी जो हमारे ह्यूमन एक्सट्रूट्री सिस्टम का जो है फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है ये पेयर्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और उसके बारे में पहले पढ़ते हैं ठीक है तो इसका ओरिजिन जो है वो मेजोडर्मल है जैसा कि तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म तो ये जो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है बट एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्टोडर्मल भी हैं और काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मीज़ोडर्मल भी हैं कुछ इंटरमीडिएट मीजोडर्मल स्ट्रक्चर्स भी हैं तो एक अगर रफली बोला जाए तो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन माना जाता है सबसे पहले किडनी जो है एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गेन माना जाता है अब इसका इस वर्ड को जो हमने यूज़ किया इसका मतलब क्या है रिट्रोपेरिटोनियल मतलब हमें पता है कि जो ट्रू Uh, जो सिलोमेट्स एनिमल होते हैं वो इंटरनली लाइंड होते हैं पेरिटोनियल लेयर से मींस इनके अंदर जो है एप्थीलियल लेयर से लाइन्ड होते हैं इनकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही सारे जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बट किडनी जो है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है और वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाई जाती है जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी है ये एब्डोमिनल कैविटी की बात हम कर रहे हैं तो ये एबडामल कैविटी में सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे वेर एज ये जो किडनी है किडनी जो है इस एबडामल कैविटी के बाहर पाई जाएगी तो क्योंकि ये dorsal वॉल से अटैच्ड होती है कहीं कही ना कहीं जो है एबडामल कैविटी के बाहर होती है पीछे की तरफ इसीलिए इसको रिट्रोपेरटोनियल ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि इंटरनली ये लाइन नहीं होती पेरिटोनियल लेयर से ठीक है तो ये एक टर्म हमने क्लियर किया अब दूसरी बात कि लेफ़्ट किडनी हमेशा लोअर स्लाइटली सुपीरियर होती है सुपीरियर देन द दे राइट किडनी जो राइट किडनी है वो सुपीरियर होगी वेर एज लेफ्ट किडनी जो है इन्फीरियर होगी क्यों ऐसा है क्योंकि लिवर जो है प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी तो हमेशा आप देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर इस डायग्राम में नहीं ऐसा दिया हुआ है बट किडनी एक यहाँ होगी एक, एक एसोसिएटेड यहाँ होगी तो दोनों के जो जो आप देख रहे हैं डिफरेंस होगा इनके पोजीशन में एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर क्योंकि लिवर प्रेजेंट होता है राइट right साइड में जिसकी वजह से किडनी जो है जो है नीचे की तरफ होती है अब ये जानते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ है जो है किडनी का तो पोजीशन होती है लास्ट थोड़े से एक वर्टिब्रे के और लम्बर थर्ड वर्टिब्रे के बीच में ठीक है तो टी टू एल ये तीन के बीच में होता है इसका जो लोकेशन ठीक है तो वर्टिब्रे के अकॉर्डिंग अगर पूछी जाए कि किडनीज कहाँ एसोसिएटेड होती हैं द आंसर विल बी इट इज एसोसिएटेड और वी कैन से इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे एंड द थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसको याद करना ज़रूरी है तो चलिए अब बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है इसकी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और यूरिन का फॉर्मेशन भी हमें पढ़ना है बट वो आगे पढ़ेंगे बट सबसे पहले हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा आउटलाइन क्या है इसका सबसे पहले ये बीन शेप स्ट्रक्चर आप जैसा देख सकते हैं अब आते हैं इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर पे जो कि हाइलम है या कह सकते हैं हाइलस ये एक कॉन्कीविटी है यहाँ पे जो कॉन्केविटी है इस कॉन्केविटी को हाइलम या हाइलस कहते हैं ठीक है थीके? यहाँ से क्या होती है जो मैंने रीनल आर्टरीज और रीनल वीन्स बनाई हैं यहाँ से ब्लड सप्लाई जो है एंटर करती है किडनी के अंदर ठीक है तो ये हाइलस कहलाता है अब दूसरा रीनल कैप्सूल रीनल कैप्सूल क्या है एक ज़्यादातर हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग कवरिंग के बारे में नहीं पढ़ना बट स्टिल एक जान लीजिए कि प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड इट प्रेजेंट होती जो कि फाइब्रस होती है उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल ठीक है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किडनी को अब बात करते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला की देखिए जो किडनी होती है वो कॉर्टेक्स पार्ट में और मेड्यूला रीजन में डिवाइडेड होती है ऊपर का जो पार्ट है वो डॉटेड होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये जो मेडुलरी रीजन है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ठीक है कॉर्टेक्स और मेडुला कॉर्टेक्स जो है डॉटेड अपेयरेंस देता है अब ये डॉटेड अपेयरेंस देता क्यों है क्योंकि आगे हम जाके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि है वोमेंस कैप्सूल और बात करते हैं जो है लूप ऑफ हैंडले की तो जो रीनल डक्ट्स होती हैं वो और वोमेंस कैप्सूल से मिल ही जो है नेफ्रॉन बनता है तो जो बोमेन कैप्सूल है वो यहाँ प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये कॉर्टेक्स जो है डॉटेड अपियर होता है ठीक है तो ये स्ट्रक्चर आप ज्यादा अच्छी तरह से बाद में समझ पाएंगे अभी जानते हैं रीनल मेड्यूला के बारे में रीनल मेड्यूला ये रीजन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं ठीक है थीके? तो ये रीनल मेड्यूला है जिसमें कि स्ट्रेटेड अपियरेंस दिख रहा है ठीक है स्ट्रेटेड अपियरेंस है पिरामिडल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ये रीजन कहलाता है मेड्यूला ठीक है कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्ट्रेटेड अपेरेंस दिखाई दे और पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो वो रीजन होता है मेड्यूला का कॉर्टेक्स में जो है डॉटेड स्ट्रक्चर हो अब बात करते हैं रीनल पैपिले के बारे में रीनल पैपिले क्या है ये फनल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप ये ये जो कौन पार्ट जो है फनल शेप यहाँ पे ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो यहाँ पर कौन बना रहा है इसको कहते हैं रीनल पैपिले फनल शेप स्ट्रक्चर अब बात करते हैं रीनल पेल्विस की ठीक है रीनल पैलविस क्या है जो रीनल पैपिले से जो डक्ट्स निकल रही हैं आप ये देख सकते हैं जो डक्ट्स निकल रही हैं ये डक्स क्या कहलाती हैं रीनल सॉरी इट कैल इनको कहा जाता है कैलिसिस ओके व्हाट डज इट नोन इट इज़ नोन एज कैलिसिस ये जो डक्स है स्मॉलर डक्स और जो ये स्मॉलर डक्स जब पूरी एक जगह मिलती हैं तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस देखिए मैं बार बार रीनल वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो बायोलॉजिकल कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे कि कॉडल टेल हेड तो किडनी से कोई भी एसोसिएटेड अगर स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग हमेशा रीनल से ही कहेंगे कि उसको एसोसिएट करके बोलेंगे रीनल पैपिले रीनल पेल्विस रीनल मेड्यूला क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं किडनी से एसोसिएटेड है सो द टर्म वी विल इंक्लूड हेयर इज रीनल ओके तो ये कैलिस है जो कि फॉर्म करती हैं एक वाइडर पार्ट इस वाइडर पार्ट को हमेशा पेल्विस कहा जाता है इसीलिए इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस तो ये जो डक्ट्स हैं वो कैलिस हैं और जो वाइडर पार्ट है वो पेल्विस है ठीक है तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्टेक्स जो है मैंने बता दिया कि कॉर्टेक्स में डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पे वोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है ओके okay, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है कि कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या है तो जहाँ आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स पार्ट है एक कॉर्टेक्स पार्ट जब पिरामिड्स के बीच में एंटर करता है तो ये जो कॉर्टेक्स पार्ट जो है जो काफ़ी हद तक इंटरफेयर कर रहा है मेडुलरी रीजन में इस पार्ट को ये जो कॉलम्स बन रहे हैं इनको कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी ओके मेडुलरी रीजन में जो कॉर्टेक्स पार्ट एंटर करता है उसको बोलते हैं बर्टिनी और उसके बाद ये जो पार्ट है नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो कि बाहर आ रहा है वो यूरेटर है ओके okay? तो हमने क्या क्या पढ़ा हाइलम ठीक है उसके बाद रीनल कैप्सूल के बारे में फिर कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बारे में और उसके बाद रीनल पैपिले के बारे में ये रीनल पेपिले है उसके इससे जो डक्स निकल रही है कैलिसिस हैं और ये जो है पेल्विस है उसके बाद पेल्विस के बाहर यूरेटर है ओके सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी इट इज इट इंक्लूड्स टू पार्ट जैसे कि ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल ठीक है ग्लोमेरुलस मतलब ये जो कप शेप आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ग्लोमेरुलस कहलाता है और ये जो डक्ट्स हैं जितनी भी इनको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स ठीक है तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको सिंपली रीनल ट्यूब्यूल कहा गया है और जो ये ऊपर का कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे ग्लोमेरुलस तो ये है क्या ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस कहलाता है सिंपल वे में कि जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं वोमेंस कैप्सूल के अंदर में तो जो कैपिलरीज आ रही हैं ब्लड सप्लाई जो आ रहा है जो आर्टरीज के थ्रू आ रहा है फिर वो आर्टरीज आफ्टर दैट इट डेविएट्स इन टू आर्ट्रीओल तो जो डिफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है वो कैपिलरीज फॉर्म करती है बंच ऑफ कैपिलरीज जिसको देखिए मैं बताती हूँ एक एक आर्ट्रियोल आ रहा है ठीक है इसको बोलेंगे अफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ कैपलरीज बन गई फिर ये जा रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल ईगो ई गो मतलब इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जाती हुई अफरेंट मतलब आती हुई ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक कप शेप स्ट्रक्चर जो है एनकैप्सुलेट करता है उसके अंदर इसको पैक करके रखता है इस स्ट्रक्चर को वोमेंस कैप्सूल कहते हैं और ये जो कैपलरीज का बंच है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ग्लोमेरुलस भी कहते हैं और ये वोमेंस कैप्सूल भी कहलाता है ठीक है तो ये है वोमेंस कैप्सूल और इसके अंदर बंच ऑफ कैपलरीज जो है वो है ग्लोमेरुलस ठीक है अब बात करते हैं रीनल ट्रिब्यूल की ध्यान दीजिएगा मैं हम लोग अभी फंक्शनिंग पर नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द पार्ट्स एसोसिएटेड टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच विल मेक आवर लेटर ऑन स्टडी वेरी स्मूथ और ईजी नाउ कमिंग टू द रीनल टिब्यूल्स अब टिब्यूल्स की बात करते हैं तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट जो है वोमेंस कैप्सूल हमने बताया कि जो रीनल टिब्यूल है वो क्या बनाता है उसमें वोमेन कैप्सूल आता है ठीक है वोमेन कैप्सूल आ गया अब वोमेन कैप्सूल फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी बता दिया कप शेड उसके बाद पी पे आते हैं पी क्या है तो वोमेन कैप्सूल से जो एक ट्यूब निकलती है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है तो प्रॉक्सिमल मतलब फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड मतलब हाईली कॉइल्ड तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज द फर्स्ट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द वोमेंस कैप्सूल तो जो वोमेंस कैप्सूल से पहली जो कॉन्वल्यूटेड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलेगा उसको कहेंगे पॉ पी अब आते हैं ये जो स्ट्रक्चर है जो कि इनर मेड्युलर रीजन में जा रहा है जो लंबा सा स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है आपको ट्यूब जो दिख रही है जो थोड़ी कभी वाइडर है थोड़ी सी यहाँ से फिर ये और पतली हो जा रही है उसके बाद फिर ये थोड़ी सी वाइड हो जा रही है तो ये जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं लूप ऑफ हैंडले और जो लास्ट पार्ट है ये जो कॉयल स्ट्रक्चर इसको कहेंगे डिस्टल कॉन्विटे ट्रिब्यूल मतलब जो थोड़ा सा बाद लेटर ऑन स्ट्रक्चर है जो बाद का स्ट्रक्चर है जो तो हाईली क्वाल्ड है वो है डिजिटल कॉन्वि ट्रिब्यूल और ये कहाँ एंड होता है वो कॉन्व वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है ठीक है अब एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट कभी भी एक सिंगल नेफ्रॉन का जो हमारा सिंगल यूनिट है ये जो यूनिट है ऑफ द किडनी इस का पार्ट नहीं होता क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं तो एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता ठीक है तो कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ से भी नेफ्रॉन आ, आ सकते हैं यहाँ से भी नेफ्रॉन आ, आ सकते हैं तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स आके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट का कलेक्टिंग डक्ट को हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में नहीं इंक्लूड करते अब एक चीज़ और जान लीजिए कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं सो वी आर मिलेनेर इन द फॉर्म ऑफ हैविंग नेफ्रॉन वाई बिकॉज एक किडनी में वन मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं ठीक है अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे स्लाइड पे देखिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा और क्लियर कर देगा आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ जैसे कि यहाँ पे वोमेन कैप्सूल है ग्लोमेरुलस है ये वोमेन कैप्सूल है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यब्यूल है फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हैंडले है फिर उसके बाद ये डिजिटल कॉन्वेटेड ट्यब्यूल कलेक्टिंग डक्ट है इसके आस आप देखेंगे कि कुछ आप आर्टरीज देख रहे हैं ठीक है तो जो आर्टरीज यहाँ पे सॉरी ये जो कैपिलरीज आप देख रहे हैं इफरेंट जो आर्टरी गई है इफरेंट आर्ट्रियल जो गई है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकलती है और उसके बाद ये रैप करती है किसको ये रैप करती पी को ठीक है ये जो अब हम लोग देखिए नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहे उससे स्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है क्योंकि किडनी में भी तो ब्लड सप्लाई जा रहा है हमारी बॉडी का क्योंकि जो यूरिन बनना है वो यूरिन बनता कैसे है जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वही फिल्टर होता है और उसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है तो जो ग्लोमेरुलस में जो कौन सा पार्ट जा रहा है ब्लड ही जा रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि जो पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर जो 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 पी है उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे जो हैं आर्ट्रीज़ जो हैं वो कव अपने आप को एंसर्कल करके रखते हैं ठीक है उनको बोलते हैं पेरी आ, कैपलरी ट्यूब ठीक है उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स जो है डी में जाते हैं उसके बाद पेरी ट्यूबलर कैपलरीज को सॉरी डीसीटी को कवर करते हैं और उसके बाद फिर ये लूप ऑफ हैंनले से निकल के बाहर चले जाते हैं ठीक है तो लूप ऑफ हैंनले से निकल के फिर रीनल वीन में ये जॉइन कर लेते हैं तो अभी यहाँ चीज़ मैं ये बताऊँगी जो पेरी ट्यूबलर वीन्स हैं पेरी ट्यूबलर कैपलरीज हैं वो क्या करती हैं ये जो सप्लाई दे रही हैं ब्लड की सप्लाई जब ये पी और डी के इर्द गिर्द होंगी तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज कहलाएँगे लेकिन जब ये आर्टरीज जब ये लूप ऑफ हैं की तरफ जाएंगी तो इनको इनको कहा जाता है वेना केवा ठीक है सॉरी वासा रेक्टा ओके ये वर्ड मैं आपको बताना चाहती थी मैंने क्यों ये ब्लड सप्लाई बताई ये जो ब्लड सप्लाई लूप ऑफ हैंलले के पास होती है उसको हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं और जो ब्लड सप्लाई आर्टरीज़ के थ्रू जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास रहती है उनको पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज कहा जाता है अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट कर लेते हैं जब इतना कुछ पड़ा है तो सबसे पहले जो अफरेंट आर्टरी आ रही है ग्लोमेरल में उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इफरेंट क्यों ऐसा होता है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग क्रिएट करना है अगर ज्यादा ब्लड यहां आ रहा है और उसके बाद यहाँ तक पहुँच रहा है लेकिन अगर हम लोग इसको वाइड इसको स्मॉल कर दे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ताकि यूरिन बहुत फोर्सफुली फिल्टर हो पाए वोमेंस कैप्सूल में और वोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के थ्रू वन लीटर पर डे जो है यूरिन बन पा सॉरी ब्लड जो है फिल्ट्रेट बनाता है ठीक है कितना फिल्ट्रेट बनता है वन लीटर पर डे ब्लड जो है फ़िल्टर करता है तो ग्रोमैरुलस एक दिन में 180 लीटर पर दिन पर डे जो है वो फिल्टर करता है लेकिन क्या एक वन एट्टी लीटर्स जो यूरिन भी पास होता है नो no. क्यों क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो पानी की ज़रूरत है अगर 180 लीटर जो है पूरी बॉडी निकाल देगी यूरिन तो हमारी बॉडी में क्या बचेगा तो हमारे जो है सिस्टम को इतना गॉड ने इतना परफेक्ट बना रखा है ताकि जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी में और हर चीज़ों की है वो रिटेन होता रहता है वो एब्जॉर्ब होता रहता है और जो चीज़ें नहीं है उनको हम लोग जो है एक्स आउट कर देते हैं तो वो जो है हम लोग यूरिन फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था कि जो एफरेंट और इफ़रेंट आर्ट्रियोल हैं दोनों की डायमीटर में फ़र्क होता है और उसके जो है वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर बनता है और ब्लड बहुत फोर्सफुली फिल्टर होता है जिसकी वजह से पीसीटी में बहुत सारा फिल्ट्रेट बन जाता है ठीक है अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो कि फ्लो ऑफ यूरिन है कहाँ कहाँ से जा रहा है जैसे कि हमने स्ट्रक्चर्स अब पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले जो है वो जाता है ब्लड पहले रीनल पिरामिड्स में क्योंकि जो पिरामिड्स हमने देखे थे तो वो पिरामिड्स में जाता है यहाँ देख रहे हैं ब्लड सप्लाई हो रही है तो ग्लोमेरुलस से होते हुए सबसे पहले रीनल रीनलि पिरामिड्स में जा रहा है फिर रीनल पेपिले में जा रहा है पेपिले कौन सा स्ट्रक्चर है ये जो कौन फनल शेप स्ट्रक्चर है इसको पेपिले बोलते हैं फिर माइनर कैलिसिस में मतलब यहाँ जो कैलिसिस जो कैलिस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि जो ट्यूब्स निकल रही हैं रिनल पेल्विस से उनको बोलते हैं कैलिस ये जो है ठीक है वो हो गए उसके बाद मेजर कैलिस मतलब जो ब्रॉड ब्रॉडर एरिया होगा उसमें जाएगा फिर पेल्विस में क्योंकि ये पेल्विस रीजन है हिप जो है कि वाइडर पार्ट है उसके बाद यूरेटर में फिर उसके बाद ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा में फिर आउटसाइड ठीक है तो ये है यूरिन का फ्लो तो अभी मुझे लगता है हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ थैंक यू